महाराष्ट्र की राजनीति में पिछला सप्ताह काफी उथल पुथल मचाने वाला रहा। राज्य में दो दो सरकारें बनी, एक सरकार सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही हट गई तो दूसरी भी अभी सदन का विश्वास हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन इस दौरान राजनीति के केंद्र में रहे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जो पहले परिवार से दूर हुए और फिर परिवार में वापस लौट आए, इसके बाद अब एक और परिवार के एकजुट होने की बातें की जाने लगी है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा परिवार हो सकता है एक, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदला है। ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक पार्टियों या सरकार में ही नहीं बल्कि उन परिवारों में भी देखने को मिला जिनके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति पिछले चार दशक से घूम रही है। ये परिवार बिखरे भी और एकजुट भी हुए। 23 नवंबर की सुबह जब लोग सोकर उठे तो पता चला कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ताकतवर परिवारों में से एक शरद पवार का परिवार बिखर गया है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी और परिवार से अलग रास्ता चुन लिया है। लेकिन शरद पवार बहुत ही चतुराई से अपने भतीजे को पार्टी और परिवार में वापस ले आए। इसके बाद गुरुवार को जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो एक ओर उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो उन्हीं के मंच पर बैठे हुए दिखाई दिए राज ठाकरे। जी हाँ, वही राज ठाकरे जिन्हें कभी शिवसेना का भविष्य माना जाता था, जो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे हैं। माना जाता था कि बाल ठाकरे अपने भतीजे राज ठाकरे को अपना राजनीतिक वारिस बनाएंगे, लेकिन जब बाल ठाकरे ने भतीजे की जगह अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान सौंपी तो राज ठाकरे पार्टी से अलग हो गए और 2006 में अपनी पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का गठन कर लिया। इसके बाद से ही राजनीति में दोनों भाइयों की राहें अलग अलग हो गयी। 13 साल तक ये दोनों भाई किसी भी राजनीतिक मंच पर एक साथ नहीं दिखाई दिए, लेकिन गुरुवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में नजारा बदला बदला सा था। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में राज ठाकरे पहली कतार में दिग्गज नेताओं के साथ बैठे थे। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या अजीत पवार की तरह राज ठाकरे भी परिवार और पार्टी में वापसी करेंगे। इसका जवाब तो अभी नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल शिवसेना में वापसी को लेकर राज और उद्धव के बीच अभी कोई सीधी बात नहीं हुई है, लेकिन ठाकरे परिवार के बीच इसे लेकर गंभीरता से बात शुरू हो गई है। इस काम में परिवार और पार्टी के साथ साथ फिल्म और राजनीति से जुड़े लोग भी पहल कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही राज ठाकरे शिवसेना में वापसी कर सकते हैं और 13 साल बाद राजनीति में एक हो सकता है ठाकरे परिवार। टीवी लाइव की रिपोर्ट।